आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ सुपर टेस्टी सुपर स्पाइसी तवा टमाटर चाट, वो भी बिल्कुल बाजार जैसी। जब भी आपका मन करे तो घर पे ही बनाएं बहुत ही कम चीज़ों से झटपट आसानी से तवा टमाटर चाट। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ कीर्ति और कीर्ति के ट्विस्ट किचन में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले हम गैस पे चढ़ाएंगे एक तवा और उस पे डालेंगे 2 चम्मच ऑयल और फिर डालेंगे कटा हुआ उबला आलू। इसको थोड़ा सा चला लेंगे और फिर हम डालेंगे 1 कटोरी भर के उबला हुआ मटर। आप देख सकते हैं मटर बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है, अच्छे से पका हुआ है मटर। मटर डाल के हम अच्छे से मिला लेंगे। आपके घर में कोई भी तवा हो, ये मैंने रोटी बनाने वाला नॉर्मल तवा यूज किया है। तो अब हम इसमें डालेंगे घी और फिर बीच में थोड़ा सा जगह बना देंगे और 1/2 चम्मच घी और डालेंगे हम इसमें। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी हींग, आप चाहें तो 1/2 चम्मच जीरा भी डाल सकते हैं। और फिर हम इसके बाद डालेंगे इसमें 1 बड़ा साइज बारीक कटा हुआ टमाटर। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अनुसार नमक। नमक तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें टमाटर को सॉफ्ट करना है। तो अब इसको थोड़ा सा भून लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी पानी। इसको थोड़ा सा पकने देंगे। ये चाट बहुत जल्दी बनके तैयार होती है, बिल्कुल मार्केट जैसी टमाटर चाट बनके तैयार होती है। तो अब हम एक मैशर से इसको अच्छे से मैश कर देंगे क्योंकि हम चाट बना रहे हैं तो सब्जियों का मैश होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम थोड़ा सा मैश करके इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे और फिर इसको हम अच्छे से मिला देंगे। और फिर हम इसमें डालेंगे मसाले। तो मसालों में हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर और अपने तीखे के अनुसार लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। इसको हम अच्छे से मिला देंगे और लास्ट में डालना है 1/2 चम्मच चाट मसाला पाउडर। हम चाट का पानी बिल्कुल जला के इसको सूखा कर लेंगे। तो चाट हमारा बन के तैयार है फ्रेंड्स। तो लास्ट में डालेंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया और 1/2 चम्मच घी। आप चाहें तो घी डालिए, बिल्कुल ऑप्शनल है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा मज़ेदार चाट बनके तैयार हो चुका है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुई है। तो अब हम इसको सर्व कर देंगे और इसके ऊपर डालेंगे कटा हुआ प्याज, कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा आलू भजिया, बेसन भजिया, कोई भी नमकीन है आप इसको डाल के इंजॉय कीजिए। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ऐसे ही मेरी मज़ेदार वीडियो के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय फ्रेंड्स।